स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में एक रिंग जिसका मास और रेडियस दिया हुआ है और शुरू में ये 2 रेडियन पर सेकंड के एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दो सेम मास स्मॉल m को डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर इस तरह से कनेक्ट कर दें तो अब ये रिंग जो है कितना एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। बिना रोटेशनल मोशन के किसी भी कंसेप्ट को यूज किए सिंपली कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट, यहां पर एक बात तो क्लियर है कि अगर हम इस मास को कनेक्ट नहीं करते तो स्टिल ये 2 रेडियन पर सेकंड की वैल्यू से ही मूव करते रहता। तो आप देख लीजिए कि अगर हम m का वैल्यू, स्मॉल m का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो किस चार ऑप्शन में से इसका वैल्यू 2 आ रहा है 2 रेडियन पर सेकंड। अब यहां पर देखिए स्मॉल m का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां भी आप देख सकते हैं स्मॉल m का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर स्मॉल m का वैल्यू 0 रखने पर इसका वैल्यू आ जाएगा 2, मतलब ये हो सकता है। यहां भी स्मॉल m का वैल्यू 0 रखने पर इसका वैल्यू आ जाएगा 2, मतलब ये भी हो सकता है। अब और c और d में देखने के लिए स्टूडेंट, यहां पर अगेन आप समझिए कि अगर ये मास जो हम कनेक्ट कर रहे हैं इसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत हैवी मास, मतलब m का वैल्यू, स्मॉल m का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, तो क्या होगा, ये रोटेट करना बंद हो जाएगा, मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए ये दोनों ऑप्शन में से m, स्मॉल m का वैल्यू इनफाइनाइट रखने पर किसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहां पर अगर स्मॉल m का वैल्यू आप इनफाइनाइट रखते हैं, नीचे वाला टर्म इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं स्मॉल m का वैल्यू इनफाइनाइट रखिएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कहने का मतलब है सी इज योर आंसर।